हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रसोई रमन के में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो सागो डिज़र्ट। ये एक समर ड्रिंक है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है गर्मियों में। तो इसे बनाने के लिए हम चलते हैं अपनी किचन की ओर। तो दोस्तों, समर ड्रिंक बनाने के लिए मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने एक चम्मच लिया है। इसे हम नॉर्मल दूध के साथ 3-4 चम्मच डालेंगे और नॉर्मल दूध के साथ इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लंग्स ना रहे। ये मैंने 1/2 किलो दूध लिया है, इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था। फुल क्रीम दूध है। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाल लूँगी ताकि इसके अंदर कोई लंग्स ना पड़े। हम इसको हिलाते रहेंगे। हमने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है। 1/3 कटोरी मैंने इसमें चीनी डाली है। आप स्वाद के अनुसार चीनी ले सकते हैं। हमने दूध को तब तक काढ़ना है जब तक कि यह 2 गिलास से 1.5 गिलास ना रह जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारा दूध भी अब गाढ़ा हो चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। हम इसे साइड में रख देते हैं ताकि ये दूध हमारा अभी ठंडा हो जाए। फिर हम इसे फ्रिज में ठंडा कर लेंगे 1 घंटे के लिए। अब मैंने यहाँ पर एक पैन चढ़ा दिया, उसमें मैंने 2 गिलास पानी का डाला है। इसको अब हम गर्म होने देंगे। तब तक मैंने 1 कटोरी में बेसिल सीड लिए हैं। इसको तुलसी के बीज भी कहा जाता है, तुकमलंगा भी कहते हैं और सब्जा सीड भी कहते हैं। थोड़े से पानी में इसको हम भिगो कर रख देंगे 20 मिनट के लिए। साइड में रख देते हैं इसको भी। अब मैंने 1/2 कटोरी साबूदाना लिया, इसको हम 2-3 पानी से धो लेंगे। उसके बाद हमने जो गर्म पानी रखा था उसमें हम इसको डाल देते हैं। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और अच्छे से पकना जाए। गैस की फ्लेम हमने लो टू मीडियम ही रखी है। इसको मिलाते रहेंगे। 12 से 15 मिनट लग जाते हैं दोस्तों इसको पकने में। ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट होने लगा है और हम देख लेते हैं कि ये पका है कि नहीं। ये देखिए, अब ये अच्छे से पक चुका है। अब हम छलनी लेंगे और इसको छान लेंगे। अब ये नीचे जो बच गया है इसका हम पापड़ बना लेंगे। ये हमारे साबूदाने रह गए हैं, इसको हम अच्छे से 2-3 पानी से धो लेंगे ताकि इसका स्टार्च जो है निकल जाए। अब मैंने यहाँ पर एक आम लिया है, इसको मैंने छोटे क्यूब में इस तरह से काट लिया है। अब यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट भी लिए हैं और उसको भी मैंने इस तरह से काट लिए हैं। बादाम और पिस्ता लिया है मैंने, उसको बारीक बारीक मैंने इस तरह से काट लिया है। मैंने एक मिक्सर जार लिया है, उसमें मैंने ये जो मैंगो काट के रखे थे इसको मैं इसमें डाल दूँगी। और जो हमने दूध हमने ठंडा करने के लिए रखा हुआ था, इस दूध को मैं थोड़ा सा भी डालूंगी ताकि हमारे पीसने में आसानी रहे। अब इसको हम अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। इसका हमने मैंगो शेक बना लेना है। देखिए दोस्तों, बच्चा हुआ दूध भी हम इसमें डाल देते हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं इस दूध को ट्रांसफ़र कर देती हूँ। उसके बाद जो हमने साबूदाना जो हमने अलग से रखा हुआ था उसको भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये जो हमने सब्जा सीड लिए थे इसको भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये मैंने थोड़े से और बारीक कटे हुए क्यूब्स में आम ले लिया था, अभी मैंने 1/2 ही इसमें डाला है। बाद में हम जब इसको सजाएंगे तब हम इसमें डालेंगे। सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। साबूदाना थोड़ा सा जम गया था इसलिए इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। मेरे पास रोज़ सिरप है, इसे मैं गिलासों में इस तरह से डाल देती हूँ। आपके पास है तो आप डालिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद जो हमने ये डिज़र्ट बना के रखा है इसको भी हम डाल लेते हैं गिलासों में। फ्रेंड्स, गर्मियों में ये डिज़र्ट बहुत ही अच्छा लगता है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बनाना तो कितना ही आसान है और सबको बहुत ही पसंद आता है। इस तरह से हमने दोनों गिलासों में इसको डाल दिया है। अब मैं ऊपर से जो कटे हुए क्यूब्स में आम मैंने रखे हुए थे वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो भी मैं ऐसे इसमें डाल देती हूँ, बादाम और पिस्ता। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। थोड़े से मेरे पास टूटी फ्रूटी थी जो हमने घर पर बनाई थी तरबूज के छिलकों से, वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए, ऊपर से मैंने रोज़ सिरप भी डाल दिया है। और ये देखिए, हमारा ड्रिंक कितना अच्छा लग रहा है। देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतने खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और गर्मियों में तो बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।